नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में और मैं हूँ आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। महाराष्ट्र की अगर राजनीति की बात करें तो इस वक्त महाराष्ट्र में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है और शिवाजी मूर्ति को लेकर भी विवाद बढ़ रहा है, जिसके चलते विपक्षी नेता हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसको आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की रिपोर्ट में। सिंधु दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद इसको लेकर विवाद चरम पर पहुंच गया है। सिंधु दुर्ग पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार करते हुए उन पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने जयदीप आपटे और चेतन पाटिल को इस मामले में गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग पुलिस ने आरोपियों की कंपनी को ही शिवाजी महाराज का पुतला बनाने और लगाने का काम दिया था। अब गौरतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंधु दुर्ग के मालवान समुद्री किनारे पर बनाया गया स्टैचू गिर गया है और इसके कई टुकड़े हो गए हैं। इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए टक्केवारी सरकार यानी कमीशन सरकार बताते हुए इस पे भ्रष्टाचार की बात कही है। अब इन सब के बाद विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं में सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने इस मामले पर सरकार को घेरा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मूर्ति का निर्माण और डिजाइन नौसेना ने किया था। जब मैंने जिला कलेक्टर से बात की तो मुझे बताया गया कि हवाएं 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, जिससे मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। हम सुनिश्चित करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की एक नई मूर्ति उसी स्थान पर बनाई जाए। वहीं लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रतिमा का काम ठाणे जिले के एक ठेकेदार को दिया गया था और ये सभी को देखना है कि काम कैसे किया गया। इस मामले में ठेकेदार सहित सभी दोषियों को संस्थानों को ब्लैकलिस्ट करा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने मांगी माफी। सिंधुदुर्ग जिले के मारवाड़ के राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने से महाराष्ट्र में विवाद अब छिड़ गया है। इस मामले पर सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सिंधुदुर्ग जिले के संरक्षक मंत्री ने जनता से माफी मांगी है और घटना पर दुख भी जताया है। प्रतिमा गिरने के पीछे की वजह की जांच चल रही है और इसके लिए नौसेना और राज्य सरकार ने एक संयुक्त टीम का भी गठन किया है। मूर्ति की स्थापना में शामिल सरकार और स्ट्रक्चरल ऑडिट पर मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि विपक्ष ने इस घटना का इस्तेमाल करते हुए सरकार की आलोचना की और जातिगत विभाजन को भड़काने का इल्जाम लगाया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में एक संयुक्त बैठक कर नौसेना और राज्य सरकार की संयुक्त समिति बनाने के निर्णय की घोषणा की है। साथ ही राजकोट में ही छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य मूर्ति स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। विपक्षी नेताओं ने किया किले का दौरा। विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, जयंत पाटिल, सतेज पाटिल और आदित्य ठाकरे सहित कई विपक्षी नेताओं ने स्थिति का जायजा लेने के लिए किले का दौरा किया। संजय राउत और जितेंद्र अवध ने सोशल मीडिया पर गिरी हुई मूर्तियों की तस्वीरें भी शेयर की, जिससे तनाव और बढ़ गया है। विपक्ष के इस कदम की आलोचना जातिगत निहितार्थों के लिए भी की गई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो वहां पर नेताओं ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की जाति का भी जिक्र किया है। इस कदम को महाराष्ट्र की सामान्य राजनीतिक मर्यादा से अलग माना जा रहा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मजाक उड़ाने वाले कार्टून और वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें पेशवाओं का वंशज बताया जा रहा है। इस तरह की हरकतों ने सांप्रदायिक तनाव भड़काने के प्रयास के बारे में चिंता जताई है। विपक्ष के दृष्टिकोण की आलोचना इस बात के लिए भी की गई है कि वो व्यापक मुद्दों को संबोधित करने के बजाय जातिगत विभाजन पर तोड़ दे रहे हैं। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के समावेशी नीतियों को नजरअंदाज किया है और उसके बजाय राजनीतिक लाभ के लिए उनकी विरासत का दोहन किया है। कांग्रेस एनसीपी नेता
की भी आलोचना की गई कि उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर औरंगजेब का नाम बदलने के मुद्दे पर बात नहीं की, बल्कि औरंगजेब जैसे मुगलों प्रशंसक हुए। ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच टकराव पैदा करने में शरद पवार की भूमिका भी जांच के दायरे में अब आ गई। विपक्ष की हरकतों को महाराष्ट्र में सामाजिक विभाजन पैदा करने, वोट हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसी चिंताएं हैं कि इस राजनीति का उद्देश्य महाराष्ट्र को बंगाल जैसा बनाना है। जनता की प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र में आम जनता ने प्रतिमा ढहने की घटना को राजनीतिकरण और विपक्षी नेताओं द्वारा जातिगत विभाजन पर ध्यान केंद्रित करने की कड़ी आलोचना की है। इस कार्यवाही को महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपराओं को कलंकित करने और विभाजित समुदाय के बीच तनाव भड़काने के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने से जुड़ा विवाद महाराष्ट्र में गहरी राजनीतिक दरार को दिखा रहा है। सरकार की प्रतिक्रिया विपक्ष के विभाजनकारी रणनीति से बिल्कुल अलग है, जो राज्य के भीतर एकता बनाए रखने में चल रही चुनौतियों को दिखाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए जीवन 24 के साथ।